हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्रोमोसोमल एब्रेसिस के बारे में बताऊंगा, क्रोमोसोम विघटन के बारे में बताऊंगा। देखिए, किसी भी स्पीशीज की सोमैटिक सेल में क्रोमोसोमों का नंबर फिक्स होता है और सोमैटिक सेल में प्रत्येक क्रोमोसोम की दो कॉपी पाई जाती है, जबकि उसी स्पीशीज के गैमेटिक सेल्स में सोमैटिक सेल्स के ठीक आधे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो सोमैटिक सेल में क्रोमोसोमों की संख्या उन क्रोमोसोमों के ऊपर जीनों का सीक्वेंस, जीनों की संख्या और जीनों का प्रकार ये फिक्स होता है। तो किसी भी सोमैटिक सेल में क्रोमोसोमों की संख्या या उन क्रोमोसोमों के ऊपर जो जीन है, उन जीनों की संख्या, उन जीनों के सीक्वेंस या उन जीनों के प्रकार में, टाइप्स में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशंस। मैंने बोला क्रोमोसोमों के नंबर में कमी है, सोमैटिक सेल में जितने भी क्रोमोसोम हैं वो क्या है, फिक्स है। उन क्रोमोसोमों के ऊपर जो जीन है उनकी भी संख्या, उनका भी प्रकार और उनका भी सीक्वेंस फिक्स है। तो इनमें जब किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोम विघटन। तो मैंने बताया दो प्रकार के परिवर्तन, एक तो बताया क्रोमोसोमों की संख्या में अगर कमी होती है तो, और ये भी बताया कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है उनकी संख्या, उनके सीक्वेंस, उनके प्रकार में जो कमी होती है तो, दोनों क्या है आपके, क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो जो मैंने पहला बोला था कि क्रोमोसोमों की संख्या में अगर कमी हो गई या वृद्धि हो गई, मतलब क्रोमोसोमों की संख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन। और क्रोमोसोमों की संख्या में और कमी और वृद्धि नहीं हो रही है, पर क्रोमोसोमों के ऊपर जो जीन है ना, क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट टूटकर अलग हो गया, कुछ जीन उसके ऊपर से समाप्त हो गए, कुछ जीन उसमें बढ़ गए या जीनों का सीक्वेंस चेंज हो गया या दूसरे प्रकार के जीन उसके ऊपर पाए जाने लगे, मतलब कि जीनों का प्रकार चेंज हो गया, तो इस प्रकार में जो क्रोमोसोमल एब्रेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो हमने समझ लिया कि न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन में सोमैटिक सेल में क्रोमोसोमों के नंबर में कमी आती है, लेकिन स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्रोमोसोमों के नंबर में कमी और वृद्धि नहीं होती है, उसमें चेंज किसमें होता है, क्रोमोसोमों के स्ट्रक्चर में। ठीक है, जैसे 10 पौधे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको इससे दूर हटके समझने के लिए स्ट्रक्चर और न्यूमेरिकल को, कि अगर 10 पौधे हैं तो 10 पौधों में से अगर 2 पौधों को आपने हटा दिया, उसको वो सूख गए और उनको आपने काट के अपने यूज में ले लिया, तो कितने पौधे बचे, 8। या आपने काटा नहीं, 10 पौधे थे, 2 पौधे और लगा दिए, कितने पौधे हो गए, 10। तो मतलब यहां 10 12 हो गए, भाई 10 तो पहले से थे, 2 आपने जोड़ दिए, कितने हो गए, 12। तो यहां पर पेड़ों की संख्या कम या ज्यादा हो रही है, लेकिन वहीं अगर आप 10 पेड़ हैं उनमें से एक पेड़ के कुछ शाखाओं को आपने काट दिया, केवल कुछ शाखाओं को ही काटा, तो अब कितने पेड़ बचे, 10 ही बचे, क्योंकि कुछ शाखाओं को काटा ना, तो जिस पौधे को काटा उसकी शाखाओं को, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, लेकिन अभी भी पौधे कितने हैं, 10। ठीक इसी प्रकार से हमें यह समझना है कि जब हम क्रोमोसोमल एब्रेशन पढ़ रहे हैं तो ये दो प्रकार के हैं, न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल। तो न्यूमेरिकल में तो क्रोमोसोमों का नंबर कम या ज्यादा होगा, उसमें चेंज होगी, लेकिन स्ट्रक्चरल में क्रोमोसोमों के नंबर में कमी और वृद्धि नहीं होती है, केवल उन क्रोमोसोमों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कुछ क्रोमोसोम छोटे हो जाते हैं क्योंकि उनका एक पार्ट टूटकर अलग हो जाता है, कुछ क्रोमोसोम बड़े हो जाते हैं क्योंकि उनका जो वो पार्ट होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, रिपीट हो जाता है और वो लंबा हो जाता है क्रोमोसोम। कुछ में न तो बढ़ते हैं और न तो घटते हैं, पर मैंने बोला था कि क्रोमोसोम के ऊपर जीनों का जो सीक्वेंस होता है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, मैंने यहाँ जीन के रूप में दर्शाया है क्रोमोसोम के ऊपर, ये जो सीक्वेंस होता है जीनों का क्रोमोसोम के ऊपर वो फिक्स होता है, तो जब वो चेंज हो जाता है तो भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, या जब ये किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर चले जाते हैं तो भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर चेंज होती है, ये जो स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल एब्रेशन है इसमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर किस प्रकार से चेंज होती है, उसी आधार पर इसको 4 भागों में हम बांटते हैं,
डिलीशन या डिफिशियंसी भी इसको बोलते हैं, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। इस चार प्रकार से डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन चार ऐसे टाइप्स हैं जिनके द्वारा की क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। ठीक है, क्योंकि तो मैंने पहले बता दिया क्रोमोसोम के ऊपर कितने जीन होंगे, मतलब उनकी संख्या, उनका प्रकार, कौन कौन से जीन होंगे और उनका सीक्वेंस क्या होगा, ये फिक्स होता है। अब हम चलते हैं डिलीशन में या डिफिशियंसी में। ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, डिलीशन में क्रोमोसोम का एक पार्ट टूटकर अलग हो जाता है। तो क्रोमोसोम के ऊपर से एक पार्ट के टूटकर अलग होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डिलीशन या डिफिशियंसी। अब वो पार्ट क्रोमोसोम से कहां से टूटकर अलग हो रहा है, जब वो पार्ट जैसे यहां पर देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच के जल तक आ रहा है नॉर्मल क्रोमोसोम, जब वो टूट जो पार्ट टूट रहा है वो टेलोमियर से टूटकर अलग हो रहा है, है ना, यहां पर टेलोमियर से ए बी सी टूट गया, यहां पर केवल डी से क्रोमोसोम बचा हुआ है। तो जब जो भाग विलुप्त हो रहा है, टूटकर अलग हो रहा है, जब वो टेलोमियर के साथ टूटकर अलग होता है तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन या टर्मिनल डिफिशियंसी। और जब जो भाग टूटकर अलग हो रहा है वो टेलोमियर और सेंट्रोमियर के बीच में से टूटकर अलग हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल डिफिशियंसी, अंतराली न्यूनता। यहां पर देखिए ए बी के बाद सी डी ई टूटकर अलग हो गया, तो टूटकर दोनों में अलग हुए पर कहां से, एक में टेलोमियर वाला पार्ट अलग हुआ उसे हम बोलते हैं टर्मिनल और दूसरे में टेलोमियर और सेंट्रोमियर इन दोनों के बीच में से कोई पार्ट अलग हुआ। इसमें टेलोमियर वाला पार्ट अलग हुआ टर्मिनल और इसमें टेलोमियर और सेंट्रोमियर के बीच वाला पार्ट अलग हुआ तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनल, सॉरी इंटरस्टीशियल। ये हो गया टर्मिनल और ये हो गया इंटरस्टीशियल। दो प्रकार से डिलीशन के द्वारा स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है। अब डुप्लीकेशन के द्वारा भी स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है। कि डुप्लीकेशन के द्वारा कैसे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है, तो डुप्लीकेशन में मैंने बताया जैसे कि डिलीशन में जीनों की संख्या जो होती थी कम होती थी, पर डुप्लीकेशन में किसी क्रोम के जीनों की संख्या बढ़ती है, उनका रिपीट होता है, तो डुप्लीकेशन में क्रोमोसोम का सेगमेंट बढ़ जाता है। तो ये चार प्रकार से बढ़ता है। देखिए जब बढ़ा हुआ सेगमेंट नॉर्मल सेगमेंट के ठीक बगल में उसी सीक्वेंस में होता है तो उसे हम बोलते हैं रैंडम डुप्लीकेशन। देखिए यहां पर सी डी ई जो है वो बढ़ गया, ये नॉर्मल क्रोमोसोम था तो सी डी ई क्या हुआ यहां पर बढ़ गया ए बी सी डी ई के बाद फिर सी डी ई, तो यहां पर जो बढ़ा हुआ सेगमेंट है वो नॉर्मल सेगमेंट के ठीक बगल में उसी क्रम में बढ़ा हुआ है सी डी ई के बाद सी डी ई, तो इस प्रकार के डुप्लीकेशन को टेंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। जब बढ़ा हुआ सेगमेंट सी डी ई बढ़ा इसमें भी लेकिन वो नॉर्मल सेगमेंट के ठीक बगल में उल्टे क्रम में बढ़ा, जैसे यहां पर नॉर्मल क्रम के ठीक बगल में सी डी ई सी डी ई था, यहां पर भी सी डी ई के बाद ही सी डी ई है लेकिन क्या है उल्टे क्रम में है ई डी सी है, यहां पर सी डी ई नहीं है ई डी सी है, तो सी डी ई का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया। तो बढ़ा हुआ सेगमेंट नॉर्मल सेगमेंट के ठीक बगल में उल्टे क्रम में हो उसे क्या बोलेंगे रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन, और जब बढ़ा हुआ खंड नॉर्मल सेगमेंट से दूर उसी क्रोमोसोम में स्थित हो तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। देखिए यहां पर भी सी डी ई ही बढ़ा लेकिन ये सी डी ई के तुरंत बाद नहीं आ रहा है, एफ जी के बीच में आ गया तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। ठीक, तो हमने क्या बोला डुप्लीकेशन में क्रोमोसोमों का सेगमेंट बढ़ता है, जब बढ़ा हुआ सेगमेंट नॉर्मल सेगमेंट के ठीक बगल में उसी सीक्वेंस में हो टेंडम, जब बढ़ा हुआ सेगमेंट नॉर्मल सेगमेंट के बगल में उल्टे सीक्वेंस में हो ईडीसी रिवर्स टेंडम, और जब बढ़ा हुआ खंड नॉर्मल सेगमेंट से दूर लेकिन उसी क्रोमोसोम पे स्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेस्ड, और जब बढ़ा हुआ खंड किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर चला जाए तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। यहां पर ये क्रोमोसोम है इसके ऊपर जीन क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच और यहां पर क्या है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी,
तो ये दोनों क्या हो गए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जीनों का नंबर, जीनों की संख्या तथा जीनों का प्रकार एक जैसा ही होता है। तो यहां पर बढ़ा हुआ कण नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर चला गया, सीडीई आ गया MOP के ऊपर। तो ये आपका हो गया ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। तो ये जो डुप्लीकेशन है ये चार प्रकार का है, टेंडम, रिवर्स, डिस्प्लेस्ड और ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। टेंडम में बढ़ा हुआ सेगमेंट नॉर्मल सेगमेंट के ठीक बगल में उसी सीक्वेंस में उपस्थित रहता है। रिवर्स में बढ़ा हुआ सेगमेंट नॉर्मल सेगमेंट के ठीक बगल में उल्टे क्रम में उपस्थित रहता है। और डिस्प्लेस्ड में बढ़ा हुआ सेगमेंट उसी क्रोमोसोम में नॉर्मल सेगमेंट से दूर हटकर स्थित होता है। सीडीई के बाद एफजी आ गया, फिर सीडीई आ गया, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। और फिर ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन में बड़ा हुआ खंड किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर चला जाता है। अब इन्वर्जन द्वारा कैसे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एलिवेशन होता है? तो इन्वर्जन में न तो डीलीशन की तरह क्रोमोसोमों के ऊपर जो सेगमेंट्स होते हैं, जो जीन होते हैं, उनके नंबर में कमी आती है, और न तो क्रोमोसोमों के ऊपर जो जीन होते हैं उनके नंबर में वृद्धि होती है जैसा कि डुप्लीकेशन में हुआ था। यहां पर न तो क्रोमोसोमों का नंबर कम होता है और न तो सॉरी क्रोमोसोमों के ऊपर जो जीन होते हैं उनका नंबर न तो ज्यादा होता है और न तो कम होता है। मतलब न तो क्रोमोसोम की वृद्धि होती है और न तो क्रोमोसोम की लंबाई में कमी आती है, लेकिन इन क्रोमोसोमों के ऊपर जो जीन है उनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर मैंने बताया था कि कितने जीन होंगे, कौन कौन से जीन होंगे और उनका सीक्वेंस क्या होगा, वो भी फिक्स होता है। तो जब किसी क्रोमोसोम के ऊपर स्थित जो जीन होते हैं उनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन। देखिए यहां पर ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, एक सीक्वेंस है और ये फिक्स होता है। तो यहां पर देखिए ए बी के बाद सी डी ई आना चाहिए, पर यहां पर क्या आ रहा है, ई डी सी आ रहा है। मतलब कि सी डी ई का जो सीक्वेंस है वो यहां पर चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन। यहां पर भी देखिए ए बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई आता है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, आई सी से लेकर आई तक वाला पार्ट उल्टा हो गया। ए बी के बाद आई एच जी एफ ई डी सी फिर जे के एल, तो ये जो सीक्वेंस था ये यहां पर उल्टा हो गया, तो यहां पर भी इन्वर्जन हुआ। लेकिन ये दो प्रकार का हुआ, एक हो गया पैरासेंट्रिक और दूसरा हुआ पेनिसेंट्रिक। जब इन्वर्जन वाले सेगमेंट में सेंट्रोमियर उपस्थित नहीं होता है तो उसे बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, और जब इन्वर्जन वाले सेगमेंट में सेंट्रोमियर उपस्थित होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, पेनिसेंट्रिक इन्वर्जन। ये समझ हो गया। फिर ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में किसी क्रोमोसोम का एक सेगमेंट टूटकर किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर चला जाता है, इसको हम बोलते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। देखिए मैंने बताया था कि ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, इसके ऊपर ए बी सी डी है और उसके पास एम एन ओ पी है, मतलब दोनों क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग जीन उपस्थित हैं, तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या हो गए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ट्रांसलोकेशन में एक क्रोमोसोम जो ए बी सी डी वाला था उसका एक पार्ट ए बी सी टूटकर किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर आ गया। देखिए ये क्या है, ए बी सी, ये एम एन ओ पी के ऊपर आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, सिंपल ट्रांसलोकेशन। और जब एक क्रोमोसोम का एक पार्ट टूटकर किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जाता है और दूसरे वाले नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का भी एक पार्ट टूटकर पहले वाले नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर आता है, तो इस प्रकार के ट्रांसलोकेशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। जैसे यहां पर देखिए ए बी सी एम एन ओ पी क्यू आर वाले पर चला आया और एम एन ओ पी पी क्यू आर से टूटकर ए बी सी वाले पर आ गया, ए बी सी यहां से टूटकर यहां आ गया और एम एन ओ यहां से टूटकर यहां आ गया, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। एक चीज आपके दिमाग में समस्या होगी कि मैंने यहां पर भी बताया ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन में कि कोई बढ़ा हुआ सेगमेंट किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे चला जाता है और यहां पर भी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। ट्रांसडुप्लीकेशन में क्या होता है, बढ़ता है सेगमेंट, तो यहां पर बढ़ा हुआ सेगमेंट किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जा रहा है, इसलिए क्या है, डुप्लीकेशन ट्रांसलोकेशन, बढ़ा हुआ सेगमेंट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जा रहा है, पर यहां पर बढ़ा हुआ सेगमेंट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे नहीं।
नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन इन चारों के द्वारा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज होती है और उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशंस। अगली क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।